हेलो दोस्तों, आज देखेंगे किसी भी फोटो को हम लोग कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ऐप्स का ज़रूरत पड़ेगा आपको, वो तो बताऊंगा ही। पहले देख लेते हैं कैसे आप किसी भी तस्वीर को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखिए, ऐप खोलने के बाद यहाँ पे कैमरा ऑप्शन मिलेगा, कैमरा पे आपको क्लिक करना है। हो सकता है आप ये जो देख रहे हैं इसका एक तस्वीर उठा के, मैं इसको तस्वीर भी उठा सकता हूँ। मान लीजिए ये तस्वीर उठा दिया, इसको कंटिन्यू करना है। करने के बाद देखिए यहाँ पे एक हो गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया है इसका तस्वीर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। करने के बाद देखिए, करने के बाद यहाँ पे डन ऑप्शन है, इसको डन कर देना है। हो गया इसका काम। अभी आप एडिट शेयर पे क्लिक कर सकते हैं, शेयर पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, शेयर एज ए पीडीएफ। देखिए पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब भी आप किसी को शेयर करेंगे वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर शेयर होगा। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब भी ओपन करेंगे ये ऐप्स, आप एडिट भी कर सकते हैं पीडीएफ को। तो एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद कुछ भी होगा तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं तस्वीर उठा के दिखाऊंगा, दिखाया। अब तस्वीर जो है मोबाइल के अंदर उसको कैसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पीडीएफ में हो गया। आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं एज ए पीडीएफ, किसी को भी सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ पे शेयर पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बहुत ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्सएप, जीमेल, मैसेंजर, मैसेंजर भी कर सकते हैं आप, शेयर में भी कर सकते हैं, नियर बाई शेयर से भी कर सकते हैं, क्विक शेयर से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी सेंड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को किसी के ऐप से भी आप सेंड कर सकते हैं। तो हो गया, ये तो मैं तस्वीर उठा लिया। अब देखेंगे फ़ोन के अंदर जो तस्वीर है उसको हम पीडीएफ में कैसे करेंगे, हमारा ही फोटो। तो यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पे देखिए यहाँ पे मेरा ही एक तस्वीर ले लेता हूँ, मान लीजिए ये जो तस्वीर है इसको मुझे पीडीएफ पे करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना है, इम्पोर्ट ऑप्शन है तो इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेसिंग होगा, देखिए इम्पोर्ट हो गया है। आप चाहे तो इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद मान लीजिए आप छोटा भी कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है कैसे आप करेंगे। यहाँ पे जितना सा पोर्शन आपको ज़रूरत है वही पोर्शन आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप ओरिजिनल सेंड कर सकते हैं, नो शेडो भी सेंड कर सकते हैं, मैजिक कलर भी सेंड कर सकते हैं, ये भी मतलब बी एंड ब्लैक एंड वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, जो जैसा पसंद है ऐसा पीडीएफ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये हो गया पीडीएफ, ये आप कहीं पे भी शेयर कर दीजिए पीडीएफ के साथ शेयर कर सकते हैं, और इमेज एज ए इमेज भी आप सेंड कर सकते हैं। शेयर जेपीजी, इस पर भी मीडियम पे क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट शेयरिंग, शेयर पीडीएफ, यहाँ से आप कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप शेयर कर सकते हैं बहुत ईजीली। आप देखते हैं, दिखा देता हूँ ये ऐप्स। इस ऐप के बारे में कुछ भी जानना है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आपको बता देना क्या जानना है, तो मैं बता दूंगा, आंसर जरूर करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इस ये जो ऐप है ये है, ये कहाँ से आपको मिलेगा। आपको प्ले स्टोर में चला जाना है ये ऐप के लिए। मैं प्ले स्टोर में चला जाता हूँ, प्ले स्टोर में आ गया। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ओकेन लिख के। यहाँ पे देखिए नीचे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना है ओकेन, ओकेन स्कैनर। देखिए तो सी एस स्कैनर ही ओकेन स्कैनर हो गया है। अभी ओकेन यहाँ पे इसको ओपन करना है आपको। ये लोगो, आपको लोगो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सी एस दिखाएगा, देखिए ये ओपन डाउनलोड होने के बाद इसका लोगो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे सी एस दिखाएगा। आपको ओकेन लिख के सर्च करना है, उसके बाद ये स्कैनर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो आएगा, यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये है इसका। डाउनलोड होने के बाद देखिए ऐसा ऐप दिखाएगा आपको, ये लोगो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ओके लिख के ऑन होगा। और यहाँ पे जो जो आप अभी आपके सामने जो दोनों, एक तस्वीर उठा के और एक
मेरा गैलरी से मैं इसको दोनों को पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो आप यहाँ से आराम से किसी भी तस्वीर को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ भी जानकारी चाहिए कुछ भी तो कमेंट में ज़रूर बताना। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।